इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पेटीएम वॉलेट में अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर, हाँ एक बात और, यहाँ पर मनी ऐड करने से पहले आप एक बार अपने पेटीएम वॉलेट को जो है अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अपने पेटीएम में ना मिले। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आपके मोबाइल में पेटीएम का जो वर्जन है, पेटीएम एप्लीकेशन का, वो पुराना हो। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर सर्च करना है पेटीएम और पेटीएम को अपडेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी है, कितने रुपए आप अपने वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक बार 100 रुपये ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन आपको मिल रहा है कि आप ये पैसे कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर पेटीएम वॉलेट या पेटीएम वाउचर का ऑप्शन हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम फिलहाल पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे, तो ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपके यहाँ पर पेटीएम में पेटीएम गिफ्ट वाउचर हो तो आप इसको पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने यहाँ पर आपने जो भी रिसेंटली पेमेंट किए थे, जैसे कि डेबिट कार्ड, वो यहाँ पर पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल हम डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के बारे में बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी है, यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड के नंबर डालने हैं, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालनी है और यहाँ पर सीवीवी कोड डालना है जो कि एटीएम कार्ड की जो पीछे की साइड होती है उसकी तरफ होता है, 3 अक्षरों का होता है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो अभी देखिए हमने अपने एटीएम कार्ड की डिटेल यहाँ पर डाल दी है। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर पेमेंट्स। अगर आप इस कार्ड की डिटेल यहाँ पर पेटीएम में सेव करना चाहते हैं तो इसको टिक रहने दीजिए, और अगर आप सेव नहीं रखना चाहते तो इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। हमारे पास ओटीपी आ गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए ले भी लिया। अभी आपको जो है मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, या ऑटोमेटिकली ये जो है एक्सेस कर लेगा इसको। और यहाँ पर देखिए अभी हमारे जो पैसे हैं यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। एक यहाँ पर हमें वाउचर भी मिल गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको अपने पेटीएम वॉलेट का जो बैलेंस है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर 0 रुपये था, लेकिन अभी यहाँ पर 100 रुपये हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अपने पेटीएम वॉलेट में एटीएम कार्ड से पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे।